मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल में पहला पॉइंट है कि जो लेंस फॉर्मूला है वो कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए वैलिड है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर वन है तो इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन वन है तो वो डिमिनिश्ड है, छोटी है, वन है तो सेम साइज की है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट है, नेगेटिव का मतलब रियल और इन्वर्टेड है। तो इसके बेस पे इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो क्या गिवन है, यू। लेंस में यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यू नेगेटिव। एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, अदर साइड पे कौन सी इमेज बनती है, रियल, तो वी इज पॉजिटिव। वो कह रहे बताओ कौन सा लेंस है, मैं तो सुनते ही बता दूं कि कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रियल कौन बनाता है, कन्वेक्स। फिर कह रहे फोकल लेंथ निकाल दो, तो लेंस का फॉर्मूला लिख लो। लेंस के फॉर्मूले में वी पॉजिटिव है और यू नेगेटिव है, सॉल्व करके एफ आ गया जो कि पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव आता तो टेंशन हो जाती है मेरे को कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि अदर साइड पे हमेशा क्या बनेगा, रियल ही बनेगी, तो प्लस 30 आंसर। तो पहला आंसर क्लियर है। फिर इसके अंदर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। अगर नीडल का साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर 5 है तो इमेज का साइज क्या होगा। ये फॉर्मूला किया बिना साइन कन्वेंशन के किया, अब पुट करो साइन कन्वेंशन। H2 निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, +5, ये तो हमेशा प्लस है। V क्या है, +90, U क्या है, -45, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H आएगा, विद साइन कन्वेंशन आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Lens is used to throw on a screen 10 centimeter from a lens. Screen कहाँ पर है? On the other side होती है हमेशा. Convex lens के लिए screen on the other side है. तो screen कितनी दूरी पे है? Screen यहाँ पर V की value 10 meter given है. तो on the other side है तो V तो positive है. तो +10 है. A magnified image of an object बना रही है. और magnification कितनी है? 19. Find focal length of the lens. आप मुझे एक बात बताओ. On the other side अगर image बनती है, तो वो virtual तो बन नहीं सकती. कन्वेक्स में क्या बनेगी ऑन द अदर साइड, रियल बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनती है, तो मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी, नेगेटिव। तो पहचान में आ गया रियल है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यानी कि जब आपको इसमें फोकल लेंथ निकालनी है और वी आपको पता है, एम आपको पता है, तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया क्या लगेगा। मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, -19, फोकल लेंथ आपको निकालनी है और वी इसमें +10 है, पुट करके फोकल लेंथ आएगी आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, क्या निकालना है, यू। कन्वेक्स लेंस से जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 15, +15, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स इज पॉजिटिव, +15। टू ऑब्टेन एन इमेज 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या है, 3। आप बस मुझे ये बताओ कि कौन सा केस है, रियल की वर्चुअल। 3 times ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन 3 है, रियल की वर्चुअल। वर्चुअल ऐसा क्यों लगा आपको, वर्चुअल बड़ी बनती है, रियल भी बड़ी बन सकती है, रियल भी उल्टी बड़ी बनती है, वर्चुअल भी बड़ी बनती है। हाँ, 3 times तो क्या हो गया, बड़ी है 3 गुना ज्यादा,
क्या पॉजिटिव है? नहीं, उसने नहीं कहा पॉजिटिव है, उसने कहा 3 गुना ज्यादा बड़ी है, बट उसने तो नहीं कहा पॉजिटिव 3 या नेगेटिव 3, बना लो उल्टी भी बना लो। क्या ये 3 लाइनों में कोई ऐसा हिंट है जो ये बताए कि ये रियल या वर्चुअल का केस है? वो तो कन्वेक्स में दोनों केस बनते हैं, रियल भी वर्चुअल भी। अगर अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती फिर तो मेरी समस्या ही खत्म थी, तो पता ही है वर्चुअल बनेगा रियल बनेगा ही नहीं। फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस है, कोई ऐसा हिंट जो बता रहा है कि रियल की वर्चुअल इमेज है? नहीं बता रहा। और अगर नहीं बता रहा ना तो दोनों केस करके आने हैं, रियल भी और वर्चुअल भी, दोनों केस मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी, और दोनों केस मिलेंगे सब्जेक्टिव के अंदर भी। मुझे पता ही नहीं तो क्या करूं? तो मैग्निफिकेशन रियल के लिए -3 और वर्चुअल के लिए +3। फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यू आपको निकालना है। इस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन एक बार -3 और फोकल लेंथ निकाल, यू निकाल लो आंसर, और दूसरे केस में मैग्निफिकेशन +3 यू निकाल लो आंसर। कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ये पता ही नहीं लग रहा तो क्या करोगे? दो ही केस निकलेंगे और क्या करोगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच एक लैब का इक्विपमेंट है, ये ऑप्टिक्स की लैब में करवाया जाता है, जिसमें लेंस की यू यहाँ रखा, लेंस की पोजीशन को चेंज करते हैं और इमेज को स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, और इसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, कनकेव नहीं। तो इसमें कन्वेक्स लेंस है, यू यहाँ पर है, और इमेज हमेशा इसमें रियल ही बनाई जाती है, स्क्रीन ऑन द अदर साइड होती है। तो ऑप्टिकल बेंच है, तो कन्वेक्स लेंस को डाल दिया गया, एंड इज मूव्ड till it gives real image of an object at a minimum distance of 80 cm from the later. तो यू रखा, लेंस को मूव करवाया ताकि इसकी क्लियर और मिनिमम दूरी पे लेके गए, मिनिमम दूरी पे लेके गए ताकि इमेज यहां पर बिल्कुल क्लियर बन जाए। ठीक है, और भी ज्यादा लेके जा सकते थे पर कम से कम दूरी इसकी रखी गई। तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज, बाकी अगला क्वेश्चन तो बाद में करते हैं, पहले फोकल लेंथ निकाल लें। एक ना रूल नोट कर लें, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, या भी मैं करवा दूंगा, चलो छोड़ो 2 मिनट सुन लें, पहले मैं आपको अभी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, वो लिखना। स्टेटमेंट पहले सुन लें कि अगर कन्वेक्स लेंस है और आप रियल इमेज बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज की कम से कम दूरी 4F होनी चाहिए, फोकल लेंथ के 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए, उससे पहले रियल इमेज ही बन सकती। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये इमेज है तो कम से कम दूरी 4 times f होनी चाहिए। ये इसका प्रूफ अभी करवाऊंगा मैं, ये स्टेटमेंट याद रखनी है। तो अब इसने क्या बोला कि दूरी कम से कम है, तो कम से कम दूरी कितनी है? 4f है ताकि रियल इमेज बन जाए, और ये दूरी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 80 सेंटीमीटर। तो 4f = 80, f = 20। तो जिस स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता उस स्टूडेंट से, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि 4f होता है। अब ये रिजल्ट कहां से आया उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। अब फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करता है। तो फोकल लेंथ आगे कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा जाए, यू नेगेटिव, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, वी निकालना है, तो लगाओ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में आपको यू पता है, आपको एफ पता है, आपने ऊपर से निकाल दिया, वी निकाल लेना आंसर, डन हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 4f का रिजल्ट कहां से आया? ठीक है, तो 4f का रिजल्ट अभी देखते हैं ये कहां से आया 2 मिनट बाद। तो
यहां तक तो क्लियर है।